Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, today we are having some solutions from June 2022 examination which was held in September. अभी जो recent exam हुआ उसके solutions हम लेने वाले हैं इसमें और I will upload the playlist for all solutions जहाँ पर आप सारे solutions को एक साथ देख सकते हैं. So we are having this first question from mathematical physics. This is a question from probability. A bucket contains six red and four blue balls. A ball is taken out of the bucket at random, and now two balls of the same color are put back. The step is repeated once more. तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं आप? क्वेश्चन को जैसे रीड कर रहे हैं उसकी इमेजिनेशन पिक्चराइजेशन भी करते जाएं. एक बकेट है हमारे पास, इसमें सिक्स रेड बॉल एंड फोर ब्लू बॉल है. वी आर हैविंग सिक्स रेड बॉल्स प्लस फोर ब्लू बॉल्स. बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बकेट एट रैंडम. रैंडमली हम यहाँ से एक बॉल को चूज कर रहे हैं. बॉल रेड भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है. एंड टू बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर पुट बैक. जब हम इसको निकाल रहे हैं एक बॉल को, तो हम दो सेम कलर की बॉल्स को भी ऐड कर रहे हैं. दिस स्टेप इज रिपीटेड वंस मोर. एक बार फिर से हम स्टेप को कर रहे हैं. तो एक बॉल निकाल रहे हैं, दो बॉल डाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉल्स जो है एक एक इंक्रीज हो रहा है एक बार में. आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि हम एक बॉल को निकाल रहे हैं और दो बॉल्स उसमें पुट कर रहे हैं. तो द नंबर ऑफ बॉल्स इज इंक्रीजिंग बाय वन. एक स्टेप में आपका एक बॉल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे स्टेप में दूसरे बॉल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, है ना? यानी कि दो बॉल टोटल ओवरऑल दो स्टेप में इंक्रीज हो जाएगी इस इन दिस बकेट. द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स आर इक्वल एट द एंड. मैंने आपको जब भी क्वेश्चंस कराए हैं बताया कि जब भी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआर नेट के लिए, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है. तो प्रोबेबिलिटी को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये देखना है कि जो हमारी बकेट है जहाँ हम बॉल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फोर रेड, सिक्स रेड एंड फोर ब्लू बॉल्स हैं, प्लस फोर ब्लू बॉल्स हैं. तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आप एक स्टेप कर रहे हैं, हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, दो स्टेप कर रहे हैं हम यहाँ पर. पहले इसको बेसिकली समझते हैं क्योंकि काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, दो स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो पहले स्टेप में हम एक बॉल को निकाल रहे हैं. अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है. कि हमने एक बॉल निकाली, वो बॉल थी ब्लू, ठीक है, और हम बॉल निकालेंगे वो रेड भी हो सकती है, फिर भी रेड एज वेल. तो हमने जो बॉल निकाली वो हो सकता है रेड थी. तो जब हम ब्लू बॉल निकाल रहे हैं और सेम कलर की दो बॉल्स हम डाल रहे हैं इसमें, यदि हमने ब्लू निकाली तो हमने सेम दो बॉल्स ब्लू डाली यहाँ पर. मान लेते हैं रेड निकाली तो हमने सेम दो रेड बॉल्स यहाँ पर डाल दी. तो अभी रेड बॉल्स जो एक निकली थी, तो एक कम होने पर कितनी रेड बॉल्स रह गई यहाँ पर? फाइव रेड बॉल्स रह गई है. और दो हमने और डाल दिए तो कितनी हो गई? सेवन रेड बॉल्स हो गई है. नहीं, एक जाएगी तो एक ऐड हो जाएगी, तो ये सेवन हो गई है और ये अभी फोर ही है. तो क्या ये नंबर रेड बॉल के निकलने पर इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है? क्या ये इक्वल आ पाएंगे? तो सेवन हो रही है, फोर ही है, तो ये इक्वल नहीं आ पाएंगे ना. तो रेड बॉल निकालना इज नॉट द सोल्यूशन हियर. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि रेड बॉल निकालने से आपको डिजायर्ड कंडीशंस नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि रेड बॉल आपने एक निकाली तो कितनी बची? फाइव. फिर आपने सेम कलर की दो बॉल्स और ऐड कर दी तो कितनी हो गई? सेवन. तो रेड बॉल निकालने पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. दैट विल बी नॉट द डिजायर्ड कंडीशन. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम ब्लू बॉल आउट. एक आपने ब्लू बॉल निकाल दी और अभी इसकी जगह आपने दो ब्लू बॉल्स और डाल दी तो कितनी हो गई बॉल्स? फाइव ब्लू हो गई यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में आपने एक और ब्लू निकाल दी और फिर से दो बॉल्स और डाल दी तो कितनी हो गई, है ना? एक और फाइव में से एक निकाली तो यहाँ पर एक निकल चुकी है, दो और आ गई है, तो इट विल बी सिक्स बॉल्स. टोटल सिक्स बॉल्स हो जाएंगे. यानी हर स्टेप में एक बॉल आप निकाल रहे हैं, दो ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली एक का एडिशन हो रहा है. तो ये सिक्स रेड है और ब्लू भी सिक्स हो चुकी है. दैट विल बी द डिजायर्ड कंडीशन. तो पहला तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब मैंने भी इसे सॉल्व किया था, देन दिमाग में आया कि रेड बॉल निकाल सकते हैं और पहले स्टेप में हम ब्लू बॉल भी निकाल सकते हैं, है ना? तो हम जब रेड बॉल निकाल रहे हैं तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम रेड को निकाल रहे हैं तो एडिशन से सेवन रेड बॉल हो रही है, नेक्स्ट में एट रेड बॉल हो जाएगी. अब यदि हम नेक्स्ट में इसको भी निकालें, मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने मान लिया कि सेवन रेड बॉल्स हो गई है और इसमें हमारे पास अभी फोर ब्लू बॉल्स हैं. अब अगले में हमने इसे निकाला, अब मान लो ब्लू भी निकालते हैं यदि हम नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं, और इस नेक्स्ट स्टेप में मैं जब ब्लू बॉल को निकाल लेती हूँ तो क्या होगा? अभी इसमें ब्लू बॉल ऐड जाएगी लेकिन फाइव ही रहेगी, राइट? एक बॉल निकली और दो ऐड हुई तो फाइव रह गई, तो सेवन और ये तभी भी इक्वल नहीं आएंगे.
इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्लू बॉल को ही निकालना पड़ेगा और ब्लू बॉल को ही ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। में रेड का रोल ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ब्लू बॉल निकाली, तो अभी ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लू बॉल इन फर्स्ट स्टेप, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? 4। एंड द टोटल बॉल्स हियर आर 10, बिकॉज टोटल में से आप निकाल रहे हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज 4 बाई टोटल 6 + 4, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी 10। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2/5। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू बॉल निकालने की फर्स्ट स्टेप में। अभी सेकंड स्टेप जब है, अभी फर्स्ट स्टेप में हमने दो बॉल्स और ऐड कर दिए, तो आफ्टर दिस देयर विल बी टू मोर बॉल्स विल बी देयर। तो दो बॉल्स ऐड करी तो 3 यहाँ पर थी, 3 में दो और ऐड हो गई तो कितनी हो गई? 5 बॉल्स हो गई। तो देयर विल बी 5 ब्लू बॉल्स। अभी जो कॉन्फिगरेशन होगा हमारे पास ये कैसा होगा? अभी फर्स्ट स्टेप के बाद जब हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, देन वी आर हैविंग 6 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। अभी इसमें से फिर से हमने एक ब्लू बॉल निकाली, इसमें से एक निकाली थी और दो बॉल्स हमने ब्लू ऐड की थी। यहाँ से हमने एक ब्लू बॉल निकाली और दो बॉल हमने ऐड कर दिए, तो टोटल कितनी हो गई इस स्टेप में? 6 बॉल्स हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल अगेन, हमें फिर से ब्लू बॉल ही निकालनी है। अभी जो टोटल बॉल्स है हमारे पास वो 11 है, उसमें से हमें ब्लू निकालनी यानी 5 बॉल्स है वहां पर। सो इट विल बी 5/11। आई थिंक इट्स क्लियर। 6 + 5 विल बी 11 एंड 5 ब्लू बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है 5/11। और ये स्टेप्स दोनों साथ में हो रहे हैं, पहले एक भी हो रहा है देन सेकंड हो रहा है, यानी दोनों स्टेप्स साथ में हो रहे हैं एंड कंडीशन के साथ। देन पहले ये देन ये, या वाली कंडीशन नहीं है कि ये और ये कंडीशन है कि ये एंड ये, पहले ये कंडीशन देन ये वाली कंडीशन। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू बॉल की जो नंबर्स हैं दैट विल बी इक्वल्स टू द रेड बॉल इज इक्वल्स टू 2/5 × 5/11। द 2/11 विल बी द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट एंड इट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे समझिए कि जो हमारे पास से नेक्स्ट जो कॉन्फिगरेशन बनेगा, एक निकाली 4 हुई और दो ऐड करी तो कितनी हो गई? 6 रेड एंड 6 ब्लू। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरी वन। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज एंड आई विल अपलोड ऑल द सोल्यूशन हेयर ऑन दिस चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू एवरी वन।